आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो वेलकम है आपका नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स के बारे में, उसके केमिकल नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे होता है हार्मोन्स का, और फिर जानेंगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, कैसे एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इन नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको जानने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि केमिकल के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो हार्मोन क्या होता है, हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पहले आप थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद आप इसका केमिकल नेचर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम ये भी आपकी बॉडी का एक पार्ट है, जैसे कि आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, उसी तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। डक्टलेस ग्लैंड कहने का मतलब है कि इसमें जो फ्लो होता है, इसमें जो चीज़ें बहती हैं, वो इस तरीके से डक्ट में नहीं बहती हैं। ठीक है, डायरेक्ट ब्लड में ये जहाँ से भी रिलीज होती है, मान लीजिए ये पीनियल ग्लैंड ब्रेन में सबसे ऊपर पाया जाता है, वहाँ से ये रिलीज हो रही है तो डायरेक्ट ब्लड में आ जाती हैं, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में आ जाती हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड। ऐसा नहीं है कि पीनियल ग्लैंड से कोई या थाइमस ग्लैंड से इस तरीके से कोई डक्ट आएगा फिर उससे ये सिक्रीट होंगी, नहीं ऐसा नहीं होता, ये डायरेक्ट ब्लड में पोर हो जाती हैं और सिक्रीट होती हैं। ये एक केमिकल मैसेंजर सिक्रीट करते हैं जिसको हार्मोन बोला जाता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा आपका हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, और एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, एक डक्टलेस ग्लैंड है जो कि डायरेक्टली ब्लड में आ जाता है। ठीक है, जबकि सेवरल ऑर्गन एंड टिश्यू नॉट क्लासिफाइड एज एंडोक्राइन, जैसे कि हाइपोथैलेमस, थैलेमस, बट ऑल्सो सिक्रीट हार्मोन्स। कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जैसे कि हाइपोथैलेमस हो गया, थाइमस हो गया, ये सारे ऑर्गन आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, इनको एज अ एंडोक्राइन सिस्टम कंसीडर नहीं किया जाता, एंडोक्राइन सिस्टम नहीं माना जाता है, लेकिन ये भी क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। चलिए थोड़ी सी हार्मोन का हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होता है। तो हार्मोन आर लो मॉलिकुलर वेट केमिकली हेट्रोजीनस नॉन न्यूट्रिएंट सबस्टांस विच प्रोड्यूस ह्यूज एंड एक्ट एज अ इंट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स। लो मॉलिकुलर वेट होता है यानी कि इनका जो भार होता है वो बहुत कम होता है, लो मॉलिकुलर वेट होता है। केमिकली हेट्रोजीनस नेचर का मतलब, हेट्रोजीनस का मतलब होता है कि सिर्फ ये एक मॉलिक्यूल से नहीं मिलकर नहीं बनेंगे, हेट्रोजीनस कहीं भी आए उसका मतलब उसमें कई दो या दो से अधिक पार्ट पाए जा रहे हैं, तो ये हेट्रोजीनस होते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट यानी कि इनमें इनको न्यूट्रिएंट आप मतलब न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ह्यूज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, HUGE, ह्यूज अमाउंट का मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, और इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करते हैं। इस टर्म को सबसे पहले किसने दिया था, हार्मोन टर्म को, स्टार्लिंग ने 1905 में। ठीक है, स्टार्लिंग ने दिया था 1905 में हार्मोन टर्म का नाम दिया था। फर्स्ट हार्मोन कौन सा है जो सबसे पहले देख पाया गया था, सीक्रेटिन, सीक्रेटिन हार्मोन, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, बेलिस एंड स्टार्लिंग ने। डिस्कवरी इसका मतलब है डिस्कवरी, तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, बेलिस एंड स्टार्लिंग ने, और ये सबसे पहला हार्मोन है जिसकी डिस्कवरी हुई थी, सीक्रेटिन, जो कि आपके क्या होता है, स्टमक में सिक्रीट होता है। ठीक है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहा जाता है, थॉमस एडिसन को, इनको कहा जाता है थॉमस एडिसन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। फर्स्ट एंडोक्राइन डिसऑर्डर मतलब एंडोक्राइन सिस्टम में होने वाला डिसऑर्डर यानी कि बीमारी एडिसन डिजीज था जो पहली बार रिकग्नाइज किया गया था। ये सारे ग्लैंड क्या होते हैं, डिराइव्ड होते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, जितने भी आप आगे पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में, जैसे पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, उसके बाद से पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में, तो एंडोक्राइन सिस्टम की ये सारे ग्लैंड जो होते हैं किससे डिराइव्ड होते हैं, किससे उत्पन्न होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू से, केवल और केवल हाइपोथैलेमस को छोड़कर ये नर्वस टिश्यू से ओरिजिनेट होता है। जब मैंने आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें बताया था हाइपोथैलेमस के बारे में, तो ये क्या होता है, नर्वस सिस्टम से, नर्वस टिश्यू से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। जैसा कि मैं बार बार आपको बताती हूँ कि टिश्यू चार टाइप के होते हैं, क्या क्या, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। तो ये सारे और सारे ग्लैंड क्या होते हैं, एपिथेलियल
टिश्यू से डिराइव्ड होते हैं, जबकि हाइपोथैलेमस क्या होता है, वो न्यूरल टिश्यू से डिराइव्ड होता है, नर्वस टिश्यू से। अब हम थोड़ा सा ग्लैंड के बारे में जानेंगे। ग्लैंड तीन तरीके के हो सकते हैं, या तो वो एंडोक्राइन हो सकता है ग्लैंड, या तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो सकता है, या तो वो मिक्स ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड हो सकता है। एंडोक्राइन का मतलब, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कि डक्टलेस ग्लैंड, यानी कि जिसमें डक्ट ना पाया जाता हो, जैसे कि सिक्रीटिन हार्मोन इसका एग्जांपल है। और एक्सोक्राइन का मतलब कहीं भी डक्टेड ग्लैंड, यानी कि जो डक्ट के थ्रू बहें, जैसे कि सिलाइवरी ग्लैंड। सिलाइवरी ग्लैंड के पास क्या होता है, पैरोटिड, उसके बाद से सबलिंगुअल, ये सारे ग्लैंड पाए जाते हैं, इन्हीं से सलाइवा सिक्रीट होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसे कि हम लोग के स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड पाए जाते हैं। मिल्क, जैसे कि हमारे ब्रेस्ट में मेमरी ग्लैंड पाए जाते हैं। स्वेट, यानी कि जहाँ से पसीना निकलता है वहाँ पर स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं, वो इस तरीके से निकलते हैं, ठीक है, अलग अलग। तो ये अलग अपना परफॉर्मेंस देते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ब्लड में आ जाते हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये डायरेक्ट ब्लड में आ जाते हैं। मिक्स्ड या हेट्रोक्राइन या कंपाउंड ग्लैंड क्या किसे कहते हैं, जिसमें दोनों एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट दोनों पाया जाए, उसे क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, जिसमें एक्सो और एंडो दोनों पार्ट पाया जाए। और इसका एक एग्जाम्पल है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का नाम आप सबने सुना होगा, जहाँ से डायबिटीज़ एक डिजीज़ है, जिसके में इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज़ होता है। तो ये क्या होता है, इंडोक्राइन ये मिक्स्ड ग्लैंड होता है, जैसा कि इसमें दो टाइप के पार्ट पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक है, और एंडोक्राइन पार्ट। जब मैंने आपको पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रही थी, तो उसमें आपको बताया था मैंने पैनक्रियाटिक एसिनाई और इसलेट ऑफ लैंगरहैंस के बारे में, ठीक है। तो जो पैनक्रियाटिक इसिनाई होती है वो क्या होती है, सिक्रीट करती है पैनक्रियाटिक जूस को, और ये एक्सोक्राइन पार्ट होती है, यानी कि इसमें डक्ट पाया जाता है। और एंडोक्राइन पार्ट की बात की जाए तो ये क्या होता है, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस भी मैंने आपको दिखाया था, जब इस तरीके से स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था, तो साइड में क्या पाए जाते हैं, पैनक्रियाटिक एसिनाई पाए जाते हैं, और यहाँ पे इसलेट ऑफ लैंगरहैंस पाया जाता था, जो क्या करता है, सिक्रीट करता है हार्मोन को। तो ये दो पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि जो 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 ग्लैंड्स हैं, ठीक है, हम लोग की बॉडी में पाए जाते हैं, उसमें से कुछ टोटली एंडोक्राइन ग्लैंड हैं और कुछ एंडोक्राइन के साथ साथ अदर फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जानेंगे जैसे टोटली एंडोक्राइन कौन कौन से ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड। ये क्या है, ये टोटली एंडोक्राइन है, जबकि अदर फंक्शन के साथ, जैसे कि हाइपोथैलेमस, ये एंडोक्राइन फंक्शन तो करता ही करता है, साथ में नर्वस फंक्शन भी परफॉर्म करता है। जैसे कि थाइमस ग्लैंड, ये एंडोक्राइन फंक्शन तो करता ही करता है, साथ में इम्यून सिस्टम का फंक्शन, जैसे टी सेल के बारे में आपने सुना होगा, बी सेल, जब मैंने ब्लड आपको बताया था तो ब्लड में बताया था कि एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट पाए जाते हैं, तो ग्रेनुलोसाइट में एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, और ए ग्रेनुलोसाइट में बी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट पाए जाते हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स पाए जाते हैं। तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उसमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट पाया जाता है, ठीक है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो जो टी लिम्फोसाइट होता है वो इम्यून फंक्शन परफॉर्म करता है। पैनक्रियास तो मैंने आपको बताया है कि ये एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों होते हैं। गोनड्स की बात की जाए तो ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं और एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम लोग लोकल हार्मोन के बारे में दो तीन जानेंगे, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, ये क्या करता है, प्रमोट करता है यूटराइन कंट्रैक्शन को। यूटराइन कंट्रैक्शन के बारे में आप तब पढ़ेंगे जब आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यूटराइन कंट्रैक्शन को फीमेल्स में उसके यूट्रक्स को ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड, जब चाइल्ड का जन्म होता है उस समय क्या करता है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है। इंटरल्यूकिंस, नाइट्रस ऑक्साइड, जो नेचुरल वियाग्रा भी है, यानी कि ये एक तरह से वैसोडायलेटर की तरह काम करता है, जो क्या करता है, पेनाइल इरेक्शन में हेल्प करता है। ये हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसे डिस्कवर कहाँ किया गया था, ह्यूमन के सीमेन में, जो कि मेल्स में पाया जाता है, ठीक है, मेल्स में सीमेन पाया जाता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन वहीं से डिस्कवर किया था। टर्म दिए थे वॉन यूलर, ये टर्म प्रोस्टाग्लैंडिन वॉन यूलर ने दिया था, और फ्रॉम सेमिनल वेसिकल से डिराइव किया था। इसका प्रिकर्सर यानी कि ये किससे बना होता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से। जब मैंने आपको लिपिड पढ़ाया था, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में बताया था, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से डिराइव होता है। डिफरेंस हार्मोन और एंजाइम में, सभी लोग बेसिकली हार्मोन और एंजाइम को एक तरह देखने लगते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस पाया जाता है, जैसे कि
जो हार्मोन है वो सिक्रीट होता है एंडोक्राइन सिस्टम से, जबकि एंजाइम क्या है, एक्सोक्राइन सिस्टम से सिक्रीट होता है। ये लिटिल अमाउंट सिक्रीट होता है जबकि एंजाइम बहुत लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होता है। ये पूरी बॉडी में एक्ट करते हैं, हार्मोन पूरी बॉडी में एक्ट करते हैं, लेकिन ये कुछ कुछ जगहों पर वर्क करते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। जैसे आपने क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस सारी चीज़ों में पढ़ा, तो वहाँ पे एंजाइम जैसे ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज, हेप्सोकाइनेज, पाइरुवेट काइनेज, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, तो वो क्या करते हैं, वो एक जगह पे वर्क करते हैं, लेकिन ये पूरी बॉडी में वर्क करते हैं। इनका मॉलिकुलर वेट लो होता है जबकि एंजाइम्स का मॉलिकुलर वेट हाई होता है। ये जितना यूज होता है वो टोटल कंज्यूम यानी कि सारा यूज कर लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बचता है, ठीक है। जब ज़रूरत होती है तो फिर से ये निकाले जाते हैं, लेकिन ये क्या होता है, रिजनरेट करता है आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन के बाद क्या करता है, रिजनरेट करता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे हार्मोन और एंजाइम्स के बीच में। अब हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के बारे में जानेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन में एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन और सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन में भी फीमेल सेक्स हार्मोन और मेल सेक्स हार्मोन। फिर इसको डिवाइड किया गया पेप्टाइड हार्मोन्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स और मिसलेनियस प्रोस्टाग्लैंडिंस। इसी तरीके से यहाँ नीचे भी डिवाइडेशन हुआ है, जैसे कि एमीन हार्मोन्स, ठीक है, जिसमें एमीन ग्रुप पाया जाता हो, एमीन हार्मोन्स जिसमें मॉडिफाइड ग्रुप पाया जाता हो, जैसे कि नॉरेपिनेफ्रिन कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता हो, रिप्लेस किया जाता हो बेंजीन के साथ, नॉरेपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट देख सकते हैं पेप्टाइड हार्मोन, जिसमें कि शॉर्ट अमीनो एसिड लिंक्ड होता है अमीनो एसिड के थ्रू, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का नाम दिया गया। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जब मैं आपको हार्मोन का डिटेल क्लास पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी। प्रोटीन हार्मोन, जिसमें लॉन्ग चेन लिंक्ड अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जैसे कि HGP ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है इसमें पाया जाता है। स्टीरॉयड हार्मोन, जैसे कि डिराइव होते हैं लिपिड कोलेस्ट्रॉल से टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन। अब मैं आपको अपना हैंड रिटन नोट दिखाती हूँ, इसमें देख सकते हैं जैसा कि आप स्टीरॉयड हार्मोन, ये किसके डेरिवेटिव होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होते हैं। जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स में तीन हार्मोन पाए जाते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में क्या आता है, एल्डोस्टेरोन आता है एग्जांपल में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिसॉल आता है फॉर एग्जांपल, गोनेट्स में पाए जाने वाले हार्मोन इनहिबिन और रिलैक्सिन प्रोटीनेसियस इन नेचर होते हैं, यानी कि ये कैसे नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के। अगर आपको डिवाइड करने के लिए दिया जाता है स्टेरॉयडल हार्मोन में आप क्या क्या लिखेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। और अगर बात की जाए प्रोटीन हार नेचर की, तो इनहिबिन रिलैक्सिन जिसमें एंड्रोजन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आते हैं, ठीक है। थायराइड हार्मोन दो आयोडाइज्ड हार्मोन होते हैं और नॉन आयोडाइज्ड, यानी कि एक में आयोडीन पाया जाता है, एक में आयोडीन नहीं पाया जाता है। तो आयोडाइज्ड हार्मोन जो होते हैं जिसमें T4 ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है T3 से, वो क्या होते हैं, स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं, यानी कि स्टेरॉयड होते हैं नेचर में। जबकि कैल्सिटोनिन की भी बात की जाए तो ये क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो अगर स्टेरॉयड में और बात की जाए ऐड करने की, तो जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन थायराइड हार्मोन होते हैं वो भी स्टेरॉयड होते हैं, जबकि नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन जैसे कि कैल्सिटोनिन, जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर बताऊंगी, तो ये क्या होते हैं, प्रोटीनेसियस नेचर के होते हैं। अब कुछ प्रोटीनेसियस हार्मोन के बारे में जानेंगे, जिसमें कि ग्लाइकोप्रोटीन आते हैं, जिसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड THYROID स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन सब का फुल फॉर्म मैं आपको जब डिटेल क्लास पढ़ाऊंगी तो उसमें बहुत अच्छे से लिखा रहेगा, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे कि गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं, HCG यानी कि ह्यूमन कॉर्टिकोटॉपिक हार्मोन, गोनाइडल हार्मोन, इरिथ्रोप्रोटीन, ये सारे क्या हैं, ये सारे ग्लाइकोप्रोटीन हैं। शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन जैसे कि जो प्योरली प्रोटीन नेचर के होते हैं, और ये लेस देन 10 अमीनो एसिड्स में पाया जाता है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को ही एंटी डायोरेटिक हार्मोन कहा जाता है, जो कि न्यूरोपेप्टाइड होते हैं, ठीक है। लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन जो 10 अमीनो एसिड से 50 अमीनो एसिड में पाए जाते हैं, जैसे कि मिलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH बोला जाता है, ये भी आपकी पोस्ट एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ग्लूकागॉन भी आपका क्या होता है, ये होते हैं लॉन्ग पेप्टाइड। ये सारे प्रोटीन है, लेकिन उसको भी शॉर्ट पेप्टाइड, लॉन्ग पेप्टाइड और प्रोटीन में डिवाइड किया गया। प्रोटीन यानी कि जो ग्रेटर देन 50 अमीनो एसिड होते हैं, जैसे कि इंसुलिन, इसमें 51 अमीनो एसिड पाया जाता है। प्रोलैक्टिन 188 अमीनो एसिड पाया जाता है। कैल्सिटोनिन, रिलैक्सिन और इनहेबिन, ये सारे क्या है, प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ लीडिक सेल या इंटरस्टीशियल सेल पाए जाते हैं,
टारगेट होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का या इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, ICSH का, जो हेल्प करते हैं टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस होने में। और टेस्टोस्टेरोन मैंने आपको बताया एक ऐसा हार्मोन होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन कैसा होता है, ये प्रोटीन एक टाइप का होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कैटकोलामाइंस। कैटकोलामाइंस एक तरह का डेरिवेटिव होता है डाईहाइड्रोबेंजीन का, इस तरीके से DHB का, हार्मोन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड इसमें पाए जाते हैं जैसे कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, और हार्मोन ऑफ पिलियन ग्लैंड जिसको कि मेलाटोनिन कहते हैं, डोपामिन भी हार्मोन होता है। ये एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन और मेलाटोनिन ये क्या होते हैं, ये कैटकोलामाइंस होते हैं। तो अभी तक हमने किस किस बेसिस पे डिवाइड किया गया, सबसे पहला स्टेरॉयडल हार्मोन, दूसरा प्रोटीनेसियस हार्मोन, तीसरा कैटकोलामाइंस, और चौथा और लास्ट क्या है, एस्केनॉइड हार्मोन, ठीक है। एस्केनॉइड हार्मोन जो डेरिवेटिव होते हैं एराकिडोनिक एसिड के, 20 कार्बन फैटी एसिड पाया जाता है इसमें, 20 कार्बन फैटी एसिड, जैसे कि एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोकॉर्टिन्स एंड इंटरल्यूकिन्स, ये सारे एस्केनॉइड एग्जांपल हैं। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन था किसके किसके बेसिस पे, केमिकल नेचर के बेसिस पे, जिसमें स्टेरॉयडल हार्मोन जिसमें कि आपका आ गया है मिनरेलोग्लूको और एक्सकॉर्टिकॉइड्स, थायराइड में भी स्टेरॉयड है T4 जो है, ठीक है। प्रोटीनेसियस हार्मोन जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन जिसमें ग्लूकोज और प्रोटीन पाए जाते हैं, और प्योर प्रोटीन जैसे कि शॉर्ट पेप्टाइड, लॉन्ग पेप्टाइड और प्रोटीन जिसमें ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब आ गए। और फिर कैटकोलामाइंस की बात की जाए तो ये डाई डेरिवेटिव होते हैं डाईहाइड्रोबेंजीन के, जिसमें एड्रीनल मेडुला के हार्मोन्स आते हैं जैसे कि एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, पीनियल ग्लैंड के हार्मोन जैसे कि मेलाटोनिन, और स्केनॉइड हार्मोन जैसे कि डेरिवेटिव होते हैं एराकिडोनिक एसिड के, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोकॉर्टिन्स पाए जाते हैं। तो ये कुछ हार्मोन्स थे जो पाए जाते हैं। और मैंने आपको बताया आज एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड होता है, हार्मोन सिक्रीट करता है, हार्मोन क्या होता है, ये स्मॉल मॉलिकुलर वेट के होते हैं, केमिकल नेचर के होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, और क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। ये टर्म स्टारलिंग ने दिया था, पहला हार्मोन सिक्रीटिन था। एंडोक्राइनोलॉजी का फादर किसे कहा जाता था, थॉमस एडिसन को। फिर एंडोक्राइन एक्सोक्राइनोमिक्स ग्लैंड के बारे में हमने जाना, टोटल एंडोक्राइन और अदर फंक्शन अलॉन्ग विथ एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में जाना, लोकल हार्मोन्स के बारे में जाना। तो इतनी चीज़ें आज हम लोगों ने पढ़ी। तो होप गाइज ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बने रहिए और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।